तो मेन सबसे पहले मेन जब टास्क था वो था स्लॉट को बुक करना है। अगर वो स्लॉट सारे बुक आपको दिखाई दे रहे हैं फिर भी उसको आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो वैसे मैं पहले ये ब्लॉग बना नहीं रहा था कि सोचता था कि ये ब्लॉग बना के क्या फायदा, ऐसे कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी मतलब एक एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा मोटिव था। लोगों को मोटिवेट करना था वैक्सीन लगाने की ओर को, कि वैक्सीन लगानी चाहिए, जरूर लगानी चाहिए। मैंने वैक्सीनेशन किया, अपनी वाइफ का भी किया, अपना भी किया। तो हम लोग वैक्सीन लगा के आए थे लखनऊ में, मेरा लगा था राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में और उसका लगा था आपके किसी कोई बाई करके कोई हॉस्पिटल है वो हजरतगंज में, तो उसका उधर कहीं पर लगा था, झकारी देवी बाई हॉस्पिटल था वहाँ, महिला हॉस्पिटल, उसका उधर लगा था। तो अभी क्या है कि मैं आज वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आफ्टर वैक्सीन लगाने के बाद आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद। तो उसके लिए मैं मतलब अपना ये ब्लॉग बना रहा था, ताकि मैं पहले काफ़ी डर गया था, क्योंकि मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटकी, तो मैं सोचने लगा कि कहीं यार मैं हॉस्पिटल गया था वहाँ से कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया, मतलब थोड़ा माइंड ऐसा हो गया था कुछ कुछ पल के लिए। लेकिन उसी को मतलब वही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं आज ये ब्लॉग बना रहा हूँ। पहले आपको मैं बता दूँ, जैसे अभी हम लोग मैंने मुझे जो वैक्सीन लगी है वो कोविशील्ड लगी हुई है। जैसे अभी अगर आपने आज की डेट में लगाई है वो वैक्सीन, तो आपको वो 84 डेज बाद दूसरी वाली लगेगी, यानी कि आपको 90 दिन का, 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा टोटल नेक्स्ट डोज के लिए, फिर सेकेंड डोज के लिए। पहले जो था कि गवर्नमेंट ने पहले 28 दिन किया था, बाद में उसको 45 दिन कर दिया, और गवर्नमेंट ने 45 से बढ़ा के 90 दिन के करीब कर दिया है। उस 90 दिन के बीच में आपको लगानी पड़ेगी वैक्सीन सेकेंड डोज आपको, तो ऐसे उसके टाइम स्लॉट पे। लेकिन जो लोग कोवैक्सीन लगा रहे हैं तो कोवैक्सीन का क्या, अभी 28 दिन है, अगर आपने आज कोवैक्सीन लगाई और उसके बाद आपको 28 दिन बाद नेक्स्ट आपको सेकेंड डोज उसमें लग सकती है। अभी कुछ और भी स्पूतनिक भी आ रही है, फाइजर भी इंडिया में आने वाली है, तो वो करीब आपके जून फर्स्ट वीक तक इंडिया में पहुंच जाएगी। लेकिन मैं जो आज बात कर रहा हूँ वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हैं, बहुत सारे लोग को मतलब मेरे मम्मी पापा लोगों को तो क्या दो दो डोज लग गई हैं वैक्सीन की, कोविशील्ड की, तो सभी लोग के साथ ऐसे घटना घट ही रही है। लेकिन कुछ लोग के साथ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे लोग के साथ ऐसा हो ही रहा है जो मेरे साथ हुआ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि वैक्सीन लगी थी दिन के मुझे 12 बजे। अब पहले मैं आपको बताऊँ वैक्सीन सेंटर वैक्सीन कैसे लग रही है। जैसे आप वैक्सीन लेके जा रहे हो, आजकल क्या है कि cowin.gov.in में आपको एक सिक्योर कोड मिलता है। पहले क्या होता कि बीच में मतलब कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता, तो इस वजह से शायद गवर्नमेंट ने एक सिक्योर कोड जनरेट स्टार्ट कर दिया, पहले जो सिक्योर कोड जनरेट नहीं हो रहा था, तो आजकल वो सिक्योर कोड जनरेट होता है। आप अपने आईडी बताते हैं, सिक्योर कोड बताते हैं उनको, तो आपका तब वहाँ जाके रजिस्टर होता है, तब आपको वहाँ जाके वैक्सीन लगती है, और टाइम स्लॉट आपने जो बुक किया होगा तो हिसाब से आप वहाँ वैक्सीन सेंटर में जा सकते हैं। तो वैक्सीन सेंटर में क्या है कि 10-10 लोग को करके एक, अगर आपको सीसी में लग रही है तो 10 लोग को एक बार में लगेगी, किसी किसी के कहीं कहीं पे इंजेक्शन पूरे पूरे बने हुए पहले से आ रहे हैं कंपनियों की ओर से, तो सीधे आपको इंजेक्शन वैसे लगेगा जो एक डोज का होता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको बैठाएंगे, टोकन देंगे, पहले आपको वेटिंग लाइन में बैठाएंगे 10 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, मतलब 2 गज दूरी पर सब लोग को बैठाएंगे। उसके बाद आपका नंबर आएगा तो आप वैक्सीन लगाएंगे, फिर आपके उससे मैसेज आ जाएगा कि आपकी वैक्सीनेशन हो चुका है, फिर आपको आधे घंटे वहीं बैठने के लिए बोला जाएगा, आधे घंटे से कि वैक्सीन का अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तुरंत आपको चक्कर आ रहा है, या मतलब कोई अगर अंदर कोई ऐसी इंटरनल बीमारी है उसकी वजह से कहीं आपको कोई चक्कर तो नहीं आ रहा है, इस चक्कर में वो अपने ऑब्जर्वेशन में अपने पास आधे घंटे आपको बैठाते हैं, मतलब मिनिमम 15 मिनट तो बैठना ही बैठना है। वो 15 मिनट में आपको साइड इफेक्ट दिख जाएगा, अगर कोई बड़ा साइड इफेक्ट होगा अंदर तो 15 मिनट में आपको दिख जाएगा आराम से। तो 15 मिनट, तो अभी मैंने जैसे 12 बजे लगाई, तो हम करीब 12:30 बजे तक हॉस्पिटल में बैठे थे। तो 12:30 बजे जब मैं निकला वहाँ से, तो थोड़ा जहाँ पर सुई लगती है वहाँ पर दर्द तो हो गई, वो ऑब्वियसली बात है। लेकिन फिर क्या है कि वापस आया जब मैं, फिर उसके बाद जब मैं वापस आया अपने होम पे, तो उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि वैक्सीन लगी है नहीं कि नहीं लगी है, लेकिन रात के 8 बजे के बाद क्या हुआ कि जो बॉडी में पेन होना हल्का का स्टार्ट हुआ, तो थोड़ी पहले शरीर में बेचैनी टाइप की बढ़ने लगी एकदम से, वो मतलब होता है ना अंदर से थोड़ा इस टाइप का फील होता है, तो फील होने लग गया। लेकिन पहले से शुरुआत में नींद नहीं आ रही थी, जब नींद आई तो उसके बाद क्या हुआ कि रात के करीब आपके 2 या 2:30 बजे तो पूरा बॉडी तपने लगी, बिल्कुल जो टेम्परेचर था बॉडी का वो थर्मामीटर से नापा तो देखा 101 है, तो वो मतलब बुखार इतना ज़्यादा आ गया, मतलब बुखार बहुत तगड़ा था। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल की ओर सजेस्ट कर रहे हैं, खैर सब जगह बहुत सारे हॉस्पिटल में तो वो लोग पैरासिटामोल की एक गोली दे रहे थे जितने लोग वैक्सीन आ रहे थे, लेकिन हम लोग को नहीं मिली थी वैक्सीन की, तो हम लोग अपने परचेज करके लाए थे। उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप परचेज कर लेना,
पैरासिटामोल 500 mg की गोली अपने लिए वैक्सीन लगने के बाद, एक गोली अगर आपको बुखार रहता है तब आप ले सकते हैं। तो लेकिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अभी बुखार आ ही रहा है तो इसे आने दो, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गोली खाएं कि नहीं खाएं। तो उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब मैं मतलब मॉर्निंग उठा तो उसके बाद पूरा बॉडी मतलब पेन कर रहा था, बहुत भयंकर बॉडी है, यहाँ शोल्डर पेन, दोनों शोल्डर पेन, हाथों में दर्द, इन उंगलियों के जोड़ों में दर्द, पाँव के घुटनों में दर्द, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरा शरीर एकदम से टूट चुका है पूरा, ऐसी स्थिति थी। और कल दिन भर मतलब यही स्थिति थी। अभी जो है ब्लॉग बता रहा हूँ ये करेक्ट 48 आवर के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, 48 आवर तक के सिम्टम्स बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसके आपके साइड इफेक्ट हैं वो 48 आवर तक लग जाएंगे। लेकिन कल दिन में मेरे को ऐसा महसूस होने लग गया, तो खांसी भी होने लगी और छींके भी आने लगी, तो मतलब क्योंकि हॉस्पिटल जाने की वजह से कि कोरोना वोना तो नहीं हो गया, तो मतलब ऐसा मतलब होता है आदमी, क्योंकि अभी वही ऐसा चल रहा है, मौसम ऐसा चल रहा है कि किसी को भी कहीं भी आप देख ही रहे हैं कि किसी को भी कोरोना हो जा रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, डरने वाली। तो ये जो पूरा साइड इफेक्ट कल था, मेरे पेन पूरा दिन भर बॉडी में दिन भर पेन था, और मेरा पूरा शरीर ऐसा टूटा था कि मतलब हिम्मत नहीं थी कुछ भी काम करने की, ऐसा मतलब शरीर टूटा था। किसी के साथ ये ज़्यादा हो रहा है, किसी के साथ कम हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है तो उसको बॉडी पेन कम हो रहा है, किसी को अगर बुखार क्या बोलते हैं नहीं आ रहा है लेकिन उसका बॉडी पेन हो रहा है। और लेकिन अभी क्या है कि आज जैसे 48 आवर हो गए हैं, अभी यहाँ पर मेरा इंजेक्शन लगा हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंजेक्शन जहाँ पर लगा हुआ है अब सिर्फ उस एरिया में दर्द हो रहा है, बाकी पूरा जो बॉडी का एक्ट था वो बिल्कुल हो गया है सही। तो मतलब ऐसा साइड इफेक्ट आपको आएंगे, सर में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, बॉडी के हो सकता है, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, और वैक्सीन आप जरूर लगाना, क्योंकि अपने आप को भी सेव करना है, अपने परिवार वालों को भी सेव करना है। मेरा एक मैसेज मतलब ये लोगों को मोटिवेट करने भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके लिए भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद बहुत सारे लोग मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो सकता है कि मे बी किसी के अंदर पहले से कोई इलनेस रही होगी या उस बीमारी से मरा होगा और उसको जबरदस्ती मतलब घोषित करते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद मरना, क्योंकि वैक्सीन जो हम लोग लगा रहे हैं वो क्या है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। वो क्या होता है कि हमारी सेल पे सेल की मेमोरी ज़्यादा बढ़ाता है, ताकि वो कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई कर सके बार बार, और उसे मतलब कोरोना वायरस के से होने वाले जो हमारे अंदर सिम्टम्स हैं उनको ख़त्म कर सके। तो इसलिए वैक्सीन लगाई जाती है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि वो कोई ऐसी मतलब कोई पॉइजन तो है नहीं कि हमको लगाएंगे और हम मर जाएंगे, मतलब साइड इफेक्ट उसके रहेंगे आपके 48 घंटे या 3 दिन भी रह सकते हैं, बहुत सारे लोग को 3 दिन भी है, जो लोग एजेड पर्सन है उनको 3 दिन तक भी हो रहा है बुखार वगैरह, और जो मेरे मम्मी पापा लोग को था उन लोग को 3 दिन तक मतलब पहले दिन बुखार आ रहा, 2 दिन तो बॉडी एक था तो उनके एनर्जी से काम करने की वो थोड़ी कम हो गई थी, और 15 डेज में आपका पूरा इम्यूनिटी सिस्टम पूरा स्ट्रॉन्ग कर देती है वैक्सीन, ताकि आप कोरोना वायरस से बिल्कुल लड़ सकें। अब हम बात करते हैं कि अभी जैसे आपका हम लोगों ने cowin.gov.in से अपने स्लॉट किए थे बुक पूरे, तो अभी ये था कि स्लॉट हम लोग आखिरकार कैसे बुक करें, अगर बुक्ड स्लॉट भी हैं। अभी क्या है कि जब मैं पहले लखनऊ में आया था तो हम लोग देख रहे थे कि स्लॉट बुक हैं, अब कैसे बुक करें, तो मतलब क्या है कि दिमाग में हो गया था कि अब यार पता नहीं कब खुलेगा, कब कितने बजे खुलता है, कोई बोलता है शाम के 4 बजे खुलता है, कोई बोलता है सुबह 5 बजे खुलता है। तो मैं आपको मतलब साफ साफ बता दूँ कि जब भी खुलेगा आपका स्लॉट या तो आप तब बुक कर लें, तो तुरंत आपको मतलब उसके लिए नोटिफिकेशन आप पेटीएम में डाल सकते हैं, पेटीएम से नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है आपके मोबाइल में कि यहाँ इस वाले पिन कोड पे इतने इतने स्लॉट खाली हैं। और कुछ मतलब कुछ वेबसाइट भी आज तक खुली हुई है जहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर हो रहा है कि भैया हम आपको नोटिफाई कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको बार बार जीमेल लिखना पड़ेगा। लेकिन पेटीएम वाला मेरे को सबसे अच्छा लगा, पेटीएम में आप वैक्सीन का नोटिफिकेशन डाल दें तो पेटीएम का नोटिफिकेशन बिल्कुल मैसेज की तरह आपके मोबाइल पर अपने आप आ जाएगा। वो मेल वाला सिस्टम ज़्यादा सही मेरे को लगा नहीं, क्योंकि वो आप बार बार जीमेल खोलना पड़ेगा उसके लिए, तो पेटीएम में आप नोटिफिकेशन वाला सिस्टम अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये पहले मंडे से लेके अगले सैटरडे से आप देख रहे हैं कि सारे स्लॉट बुक हैं, तो आपको क्या करना है, अपना नंबर रजिस्टर करके OTP लेके बार बार रिफ्रेश करते रहना है 18+ एज में। 45 वालों को तो आप देख रहे हैं कि वैसे ही लग जा रही है, वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं उनको लगा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन वैसे आजकल शायद रजिस्ट्रेशन कहीं कहीं मांगने लग गए हैं 45+ के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि 18+ में बार बार सर करें, कहीं पर अगर किसी कोई बंदा ऐसे मेरा है, मैंने आज स्लॉट अगर अपना बुक किया हुआ है और वो स्लॉट मैंने आज बुक किया हुआ है, तो मैं आज वो वहाँ पर गया नहीं, तो वो सीट एक वैकेंट आती है, तो वो क्या होता है कि नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट हो आती है। अगर वो नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट होगी तो वहाँ एक स्लॉट आपको खाली मिलेगा। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने करीब आपके 12-13 लोग के स्लॉट पूरे आराम से बुक किए हैं। मैंने मेरे सारे कई लोग के सबके ऐसे ही बुक किए हैं स्लॉट, क्योंकि स्लॉट कहीं कहीं लेफ्ट हो रहे थे, एक या दो। अब चाहे कितना भी दूरी क्यों ना हो आपके यहाँ से, क्योंकि अगर आप उसे पिन कोड वाइज ढूंढेंगे तो आपको सिर्फ एक या दो हॉस्पिटल दिखाएगा, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट वाइज ढूंढेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या आपको ज़्यादा हॉस्पिटल दिखाई देंगे।
डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या होता है कि ज़्यादा हॉस्पिटल आपको मिलेंगे, और वो है कि आपके एरिया से कौन सा पास है, कितना दूर है। आदमी पहले अपने पिन कोड वाला ही ढूंढता है, पिन कोड में आपको स्लॉट अवेलेबल तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वैक्सीन लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप रोज़ बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वैक्सीन लगानी ही लगानी है। क्योंकि जो लोग हम लोग तो प्राइवेट एम्प्लॉय है ना, तो हम लोग को रोज़ जाना है ड्यूटी, हम लोग को वैक्सीन लगानी ही पड़ेगी। क्योंकि हम लोग कब तक आखिर ऐसे रहेंगे कि हम स्लॉट का आने का, तो हम लोग क्या करते हैं कि यूँ बार बार रिफ्रेश करते करते हैं, कहीं ना कहीं स्लॉट खाली एक या दो खाली मिल जाते हैं, तो हम लोग वहाँ अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं। तो ये सबसे बेस्ट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको अगर ये ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर करना, जो आपके दोस्त लोगों के उन लोग को कैसे, मतलब क्या साइड इफेक्ट आते हैं, क्या क्या आते हैं, और वैक्सीन लगा के अगर साइड इफेक्ट अगर आ रहे हैं तो वो शायद बेनिफिशियल है। अगर आपको बुखार आ रहा है या बॉडी की अटैक हो रहा है, कि वैक्सीन आपकी बॉडी पे काम कर रही है। कुछ मैंने इस चक्कर में कुछ मतलब कुछ ब्रिटिश वालों के, जैसे कुछ रशिया के वीडियो देखे, कुछ आपके इंग्लैंड के वीडियो देखे, तो वहाँ भी मतलब फाइजर या स्पूतनिक जो भी लगती है उन सब में ये साइड इफेक्ट वहाँ भी ये सब कुछ आ ही रहे हैं। तो अगर आपको मतलब ये अच्छा लगा, शेयर कर अपने आप दोस्तों को, अपनी फैमिली को शेयर कर सकते हैं ये मेरा ब्लॉग, कि कैसे वो लोग को स्लॉट बुक करना है, और वैक्सीन आने के साइड इफेक्ट आने के बाद उनको सिर्फ एक पैरेटमोल की गोली खानी है, इसके अलावा उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उनका वो 48 घंटे या 48 के बाद आपके 72 घंटे में उनकी बॉडी बिल्कुल वैसी नॉर्मल हो जाएगी जैसे वैक्सीन आने से पहले बिल्कुल थी। तो मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। फिर से मिलूंगा आपको नए ब्लॉग पे आदि ब्लॉग्स के साथ।